वो लड़की तुम्हारे साथ मंदिर में वो क्या कर रही थी? तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम दूसरे रिश्ते को। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राजा। देखिए ये हॉस्पिटल है, आप लोग शांत रहिए। मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था। रिश्ते जुड़ने के लिए बनते हैं, टूटने के लिए नहीं। बस झूठ और धोखा शामिल नहीं होना चाहिए। झूठ और धोखा दोनों तरफ से हुआ है। कभी दूसरों की भी सुन लिया करो, तभी कुछ समझ पाओगी। रिश्तों को दूसरा मौका देना जरूरी होता है। जब तुमसे मिलने आया था तो बस तुम्हें यही बताना चाहता था कि मैं दवाइयां लिखी है, प्लीज जल्दी लेकर आ। बाद में बात करते हैं। क्या कर रहे हैं? सारी इंसानियत इन्हीं लोगों को दिखानी है क्या? नहीं, आराम से। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप बाहर चलो। ओ भाई ओ, क्या फोड़ देखते हैं क्या हम लोग तेरे को? अभी पैसों के लिए क्या नया नाटक चालू किया तुम लोगों ने? हाँ, अभी राजा से मिलने नहीं दिया तो मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करके नया ड्रामा चालू। वाह ए छोकरा, अपनी अजमेरे के बात करना है? हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल सकता है। तो क्या बोलोगे आप? अंकल ने क्या बोलेगा? शांति रखना है पापा, मैं बात करता हूँ ना। छगन भाई, हमारा जो राजा बेटा है ना, बहुत भोला है, उसे फंसाने की कोशिश मत करना, मैं बोल देता हूँ। अंकल, अगर रोकड़े के ढेर पे बैठ के आपको लगता है ना कि आपने गंगा नहा ली है तो ये गलत है, समझे ना? पहले दहेज मांगते हो फिर दयावान बनते हो। ले जाओ अपने बेटे को अपने पास, हमने किसी के हाथ नहीं बांध के रखे। ए छोकरा, ऐसे फटकड़ी की तरह क्यों फूट रहा है? हमने कुछ गलत नहीं किया है। आपका बेटा हमें चोर बोल रहा है, धोखेबाज बोल रहा है, वो सही है। अरे अंकल, झूठ की पेन से तो आपने अपनी पूरी जिंदगी के अकाउंट्स लिखे हैं ना। अरे चलो मान लो आप सही बोल रहे हो, सही बात है, तो आप ये बताओ कि आंटी को चोट किधर लगी? बताओ, अरे बताओ ने। अरे मेरे को क्या लगता है पापा, सही में चोट लगी भी है? कैसे नकली में सॉस डाल के सिर में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया इन लोगों ने? मेरी मम्मी के बारे में अगर कुछ भी बोला ना तो देखो। अरे 50 बार बोलूंगा, तू क्या करेगा रे मवाली? इधर ही भर्ती कर दूंगा, समझे ना? बस यही तो आता है। तूने आज तक खाता पाया चोरी के अलावा कुछ सीखा क्या जिंदगी में? तो कौन सा आपके घर का खाता? अरे अभी उल्टे हाथ का पलटा गलत है, समझ में आएगा तू क्या? एक मिनट, देख मेरी बात सुन। मेरे सिद्धपुर के स्टाइल में समझाऊंगा ना तो समझ में आएगा। अरे अंकल, आपकी एज का लिहाज कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं तो मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं शांत है ना, क्या कर रहा है? अरे इंसानों की भाषा में बात करो ना, ऐसे कुतरे बिलाड़ी की तरह क्यों लड़ते हो? बिटन के पापा, आप जो बात करने आए हो ना वो फटाफट कर लो। करता हूँ अभी। मेरे को गिन के साफ साफ बोलो, ये सब नाटक खत्म करने का, राजा का पीछा छोड़ने का कितना रोकड़ा लोगे? बोलो। हो गया ना? हाँ, तुम्हारी बार रखड़ी है ना, रोकड़े से शुरू होके रोकड़े पे खत्म हो जाए। हर बात में पैसा पैसा पैसा। बराबर है ना पप्पा, लगता है फिर अपने बेटे की बोली लगवा के आया कहीं है ना। पिछली बार कितना 50 लाख में बिका था ना आपका बेटा, अब कितना दाम रखा है? बोलो, या किसी दूसरी पार्टी से दहेज लेके हमें देने का प्लान बना रहे हो? ओ मवाली, सच कहा तो मिर्ची लग गई, क्या इज्जत गिर गई आपकी? अरे अंकल बस अभी शांत हो जाओ।
अभी कुनवंत के असली गुण दिखाने का टाइम आ गया है। और हाथ जोड़ देता हूँ और नजदीक आ जाता हूँ, पैर छू लेता हूँ, पैर भी छू लेता बस। अब नहीं तो कम से कम अस्पताल का तो मान रखो। सर झुका के सरिया मार रहे हो? अरे मेरी बात सुन, ये अमीरी है ना रेशम या मेंशन में दिखाना। मोटा पप्पा, अरे छोड़िए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोटा पप्पा को हाथ लगाने की? मोटा पप्पा ठीक तो है ना? चल बेटा यहां से चलते हैं, चल मुझे यहां से ले चल। बस बहुत हो गया, मेरे मोटा पप्पा और मेरे घर वालों के बारे में अब कुछ कहा ना तो छोड़ूंगा नहीं उसको। हिम्मत कैसे मेरे पापा को हाथ लगाने की? और क्या धमकी दे रहे थे मेरे घर वालों को? अरे अपने पापा से पूछो, इंसल्ट कर रहे थे हम सबकी, मोटा पापा पर हाथ उठाया उन्होंने। तो तुम्हारे मोटा पापा की इज्जत इज्जत है और मेरे पापा की कोई इज्जत नहीं है? अगर मोटा पापा पर कोई हाथ उठाएगा ना तो चुप नहीं रहूंगा मैं, मेरे लिए सब कुछ है मेरे मोटा पापा, समझे तुम? समझ गई, ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना उससे यही साबित हो रहा है कि तुम्हारे और हमारे घर वालों में कोई रिश्ता बचा नहीं। और तुम टेंशन मत लो, जो मेरी मम्मी पर पैसा खर्चा किया है ना वो कुरियर करके तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी। चलो पापा। मोटा पापा चलो। रानी तू कब से यहाँ बैठी है? काफी रात हो चुकी है, तो एक काम कर, तू पापा को लेकर घर चली जा, मैं रुकता हूँ यहाँ। नहीं भाई लो, तू चले जा पापा को लेकर, वैसे भी यहाँ पे कोई एक ही जन रह सकता है, अगर मम्मी को रात में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरा रहना बेहतर होगा, तू पापा को संभाल के लेके जाना। रानी बंदा ठीक है ना? ठीक है चलो पापा। शुभारंभ।
चाहे ठोकरे लगे लाखों, मेरी दवा और दुआ हो अब तेरे हाथों। तू बन ताकत मेरे पैरों की, चांद सा मुखड़ा हर शगुन मेरा हो। तेरे दम से ही अब हर बरकत हो, हो आरंभ हो आरंभ हो प्रेम का शुभारंभ, शुभ आरंभ शुभारंभ। एक तो लॉटरी के पैसे नहीं मिले हमें, और ऊपर से हम पर ही दहेज का इल्जाम लगा रहे हैं। जो लंड की टिकट बुक करा ली थी हमने, ये सोच के कि 50 लाख रुपए मिलेंगे हमें। तिजोरी की प्लानिंग मैंने की थी, तिजोरी की चाबी मैंने दी थी उत्सव। तू ही हो जीने की वजह, तुझ संग बीते अब हर पल मेरा। तुझ में ही देखूं रंग में सारे, तू ही हो अब हर मौसम मेरा। मेरी जान का तू सदका हो, हो आरंभ हो आरंभ हो प्रेम का शुभारंभ, शुभ आरंभ शुभारंभ जो दवाइयाँ आपको लिखकर दी थी वो आप इन्हें टाइम से खिला दीजिएगा, और परसों इन्हें ड्रेसिंग के लिए ले आना। चल मम्मी। हाँ रानी, हम घर जाने से पहले मंदिर जाएं? तू पागल हो गई है? तुझे अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज मिला है और तू मंदिर जाने की बात कर रही है? चुपचाप घर चल के आराम कर। रानी मेरा मन बहुत कर रहा है, और मंदिर घर के रास्ते पर ही तो है ना। ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट। तुझे पता है ना मुझे 11 बजे कोर्ट पहुंचना है। हाँ। चल। रानी हम थोड़ी देर यहाँ बैठे, मेरा सर दुख रहा है। ठीक है मम्मी, बैठ जा। क्या हुआ, तू ठीक है ना? हाँ। रानी तू राजा के पास वापस चली जा। मम्मी तू ये क्या बोल रही है? तुझे पता है ना वो लोग हमारी शादी रद्द करवाना चाहते हैं। रानी मैं जो कह रही हूँ मेरी बात मान ना बेटा। क्या मानूँ मम्मी, तू क्या बोल रही है? तुझे पता है ना सब खत्म हो गया है। देखो तुझे दर्शन करना है तो कर ले, मैं नीचे तेरा इंतजार कर रही हूँ। रानी राजा ने झूठ बोला था, उसने दहेज के लिए शादी नहीं की। सजनी,
अब यहाँ पे क्या करूँ, बाहर चलो। नहीं मैं यही बात करूंगी। दो दिन से राजा तूने तूने अपनी मम्मी से बात भी नहीं की है, और ये दूसरी मम्मी की तेरे को इतनी टेंशन हो रही है। दूसरी मम्मी नहीं, रानी की मम्मी है वो। तो रानी क्या लगती है तेरी? हाँ सब कुछ खत्म तो हो चुका है, और अगर तुझे ये रिश्ता खत्म नहीं करना था तो तूने झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोला तूने कि तूने दहेज मांगा था, जबकि तुझे तो पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। दिमाग खराब हो गया था मेरा, दिमाग खराब हो गया था जब मैंने मैंने उस उत्सव पे भरोसा किया, पैसे मांगे मैंने और बुराई ले ली तूने। राजा बेटा ये लोग सब तेरा फायदा उठा रहे हैं, वो रानी भी तेरा फायदा उठा रही है, ये लोग सब तुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं बेटा। मम्मी मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है, बाकी कौन क्यों और क्या करता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। राजा तू समझ क्यों नहीं रहा है कि ये तो हितांग भाई की आवाज लग रही है। राजा ने अपनी माँ के लिए वही किया जो तूने अपने बहनों के लिए किया। इसका मतलब राजा मुझे उस दिन यही बोलना चाहता था, हॉस्पिटल बेबी उससे यही बोलना था। राजा बहुत अच्छा लड़का है रानी, ऐसे इंसान बहुत कम बनाते हैं भगवान जी, उसे अपनी जिंदगी से जाने मत देना। लेकिन यहाँ बात उसके घर वालों की है मम्मी, और तूने ही मुझे बताया था ना शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का बंधन होता है, और हम दोनों के बीच जो भी हुआ, ऊपर से जो हॉस्पिटल में हुआ, उस सब के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। दो परिवार मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है रानी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों फिर एक हो जाओ। ऐसे नहीं होता है मम्मी। मन में विश्वास हो तो सब होता है रानी, प्यार सच्चा हो तो सब होता है, आंखों में अपनापन हो तो सब होता है, दिल में इज्जत हो तो सब होता है। अगर तुम दोनों साथ रहो तो परिवार भी साथ हो जाएंगे। तुम्हें जो सच जानना था वो मैंने बता दिया है रानी, आगे का फैसला तुझे करना है। तुम अच्छे से सोच लो रानी, 11 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है। मैं शिवजी के दर्शन करके आती हूँ, तुम दोनों के लिए प्रार्थना करूंगी। एक तो लॉटरी के पैसे नहीं मिले हमें, ऊपर से हम पर ही दहेज का इल्जाम लगा रहे हैं। जो लड़की टिकट्स बुक करा ली थी हमने ये सोच के कि 50 लाख रुपए मिलेंगे हमें। रानी उसने पेपर साइन नहीं किए थे, इसका मतलब उसके मन में कुछ था। क्या ये? तेरे शादी खारिज करने का नोटिस है। मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था, रिश्ते जुड़ने के लिए बनते हैं, टूटने के लिए नहीं। रिश्तों को दूसरा मौका देना जरूरी होता है। जब तुमसे मिलने आया था तो बस तुम्हें यही बताना चाहता था कि मैं। राजा ने अपनी माँ के लिए वही किया जो तूने अपने बहनों के लिए किया। क्यों झूठ बोला तूने कि तूने दहेज मांगा था? उसे अपनी जिंदगी से जाने मत देना। उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आता यही सोचता यही सोचता जो भी हुआ जो भी हुआ। क्यों झूठ बोला छोड़ के तूने दहेज मांगा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही कोई रास्ता बताओ महादेव। दीदी मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, ये खरीद लो ना। चल मैं तुझे कुछ खिला देती हूँ। नहीं नहीं आप बस ये खरीद लो, मेरा भाई लो ने कुछ नहीं खाया, ये ज्यादा महंगा नहीं है,
सिर्फ 10 रुपया का है। क्या है इस पैकेट में? बना दिया मैंने तुम्हारे जूतों को सोना। श्रीनाथ जी, हमारी कहानी तो बहुत पहले से लिख चुके हैं और आज तुम मेरे साथ हो, मेरी पत्नी बन गए। ये तुम्हें कहां से मिले? दीदी मैंने चुराया नहीं है, वो मंदिर है छोटा वाला, वहां से मिला मुझे। खरीद लो ना, बस 10 रुपया का है। मैं और मेरा भाई लोग खरीद के खाना खा लेंगे। हो आरंभ, हो आरंभ, हो प्रेम का शुभारंभ, शुभ आरंभ। प्रेम का शुभारंभ, 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 अरे यहाँ पे तो सारे राजा के कपड़े, मैं अपने कपड़े कहाँ पे रखूँ? हाँ मम्मी जी, बस बात कराता हूँ। रानी, मम्मी जी का कॉल है, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मम्मी, सुन मैं तुझे बाद में फोन करती, थोड़ा काम कर रही हूँ। बाय बाय बाय। अरे बात क्यों नहीं की? राजा, यहाँ पे सारे तुम्हारे कपड़े, मैं अपने कपड़े किस तरफ रखूँ? इस तरफ नहीं, उस तरफ। नहीं 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 नहीं, अब उस तरफ। वैसे जिस तरफ तुम कहोगी उसी में मेरी यहां होगी। और अब मेरे लिए मेरा तुम्हारा मायने नहीं रखता, अब जो भी है हमारा ही तो है। मुझे मम्मी को फोन करना था ना, मैं फोन कर लूं? राजा बेटा। हाँ मोटा पापा। अरे 11 बजे तो कोर्ट पहुंचा था, देख कितना टाइम हो गया, चलना फटाफट। हाँ बस आ रहा हूँ। क्या हो रहा है बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ मोटा पापा, वो कभी कोर्ट नहीं गया हूँ ना, तो थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। अरे क्या बात करता है, अरे नर्वस होंगे वो नट्टू भाई के नवसारी वाले काका, तू क्या नर्वस होएगा? अरे अगर फिर भी कोई टेंशन है तो मेरे को बोल ले, मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। पक्का? मैं समझ सकता हूँ बेटा, जो लोग रिश्ते नाते को सबसे ऊपर रखते हैं ना, उनके लिए रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो हमेशा श्रीनाथ जी से प्रार्थना करता था कि मेरे राजा का रिश्ता बना रहे, और उसी का रिश्ता टूट गया। पर कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, रिश्ते बनाने वाला भी वही है, तोड़ने वाला भी वही। इसलिए ये सब अपने टेंशन को तलाव में डाल और जिंदगी की रेलगाड़ी को आगे बढ़।
बाहर ही तुझे वो काले कोट वाला मिलेगा, हाँ? पर किसी के सुनना मत, हम्म? कोई कुछ भी कहे तो करना वही जो तेरा दिल कहे। अरे 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 राजा बेटा, काम करना, वो दर्शन हो कोई साथ में ले जा। कहते हैं ना, एक से भले दो, थोड़ा दिल मजबूत बना रहेगा। हाँ ठीक है, जा बेटा। रानी बेटा, तूने अच्छी तरह से सोच लिया है ना कि तू रिश्ता जोड़ना चाहती है? हाँ पापा। मतलब तू जाके तेरा पूरा सच राजा को बता देगी? अब रिश्ते की नई शुरुआत झूठ से थोड़ी ना कर सकते हैं, सच तो बताना पड़ेगा। बराबर छे, उत्सव का जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ पापा? हाँ नहीं कुछ नहीं, तू बैग पैक कर ले, तुझे लेट हो जाएगा। पापा मैं जाने वाली हूँ अभी, आप मुझसे कुछ छुपाना चाहते हैं? क्या बात है बोलिए ना। नहीं बेटा, तेरे सच बोलने के बाद उत्सव पर जो इल्जाम है वो बरकरार रहेगा, और यही सोच के मैं थोड़ा। पापा साफ साफ बोलिए। क्या साफ साफ, मतलब तू तो जान दिया ना बेटा कि यहाँ की पुलिस मौका ढूंढ रही है उत्सव को छेद में डालने के लिए। तू सच बता देगी और उत्सव को छेद में डाल देंगे वो लोग, फिर पूरी जिंदगी हम गरीब की जिंदगी कचहरी के चक्कर काटते काटते खत्म हो जाएगी। बस ये बात थोड़ा छोड़ो, देखा जाएगा। पापा आप क्यों रानी को परेशान कर रहे हो इन सब बातों से? रानी तू मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचना, समझी? तू बस अपने शादी के बारे में सोच और जाके राजा को सब कुछ सच बता दे। मैंने जो गलती की है उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मानता हूं कि तरीका गलत था, रास्ता गलत था, लेकिन मैं अभी मम्मी की कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। इसलिए तू जाके सबको सच बता दे। तू कुछ भी बोल, गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना भाई। लो जेल जाना तेरी सजा नहीं है, तेरी सजा ये है कि तेरी वजह से तेरी बहन को उसके ससुराल में चोर कहा जाएगा। तेरी सजा ये है कि तेरी वजह से तेरी बहन को उसके ससुराल में सर झुका कर जीना पड़ेगा। तेरी सजा ये है कि तेरी वजह से तेरी बहन को उसके ससुराल में गलत कहा जाएगा। गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना बहनों। देख रानी तू ऐसे मत बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे, तू प्लीज सबको जाके सच बता देना, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं भैलू, अब तू सुधारना चाहता है तो ये सच छुपाना पड़ेगा। तूने मम्मी की कसम खाई है, बस आज के बाद हमारा भरोसा मत तोड़ना। राजा का सच मैं जानती हूं, लेकिन मैं अपना सच किसी को नहीं बताऊंगी।
चाहे वो मुझसे रिश्ता रखे या तोड़ दे। अरे भाई तुम्हें चिंता नहीं करो, एक दिन मैं फ्री करवा दूंगा तुमको इस शादी से। और वैसे भी एनलमेंट के केस में कहाँ टाइम लगता है। और फिर मेरी यहाँ पर सेटिंग है, हाँ बस जैसा मैं कहूँ बस ऐसा ही बोलना। राजा, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी, आपका वकील कहाँ है? देखिए, बिना कोर्ट की परमिशन के आप मेरे क्लाइंट से बात नहीं कर सकती हैं, ओके? अपने पति से बात करने के लिए मुझे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। राजा, मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ कि हमारे बीच जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन किसी के झांसे में मत आना। सामने वाली पार्टी ऐसा भी करती है ऐसे केस में। आप चलिए आइए। चिराग अंकल, एक मिनट। चलो बोलो, क्या बात करनी है? राजा, मैं नहीं चाहती कि, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। क्यों? कल तक तो तुम इस रिश्ते को रिश्ता ही नहीं मानती थी, आज क्या हो गया? आज तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है। मुझे पता लग गया राजा कि तुमने मम्मी जी को बचाने के लिए झूठ बोला था। क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो जो पैसों को रिश्तों से ऊपर रखता है। मैं तुम्हारा इरादा और तुम्हारे अंदर के इंसान को बड़े अच्छे से जानती हूँ राजा। और तुम्हारा इरादा? हाँ, मैंने मम्मी को बचाने के लिए झूठ बोला था। क्या तुमने भी अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोला था? कभी कभी इन आंसुओं से सच्चाई का पता नहीं चलता है रानी, तो बताओ उस झूठ का असली सच, बताओ मुझे। तू सच बता देगी और उत्सव को जेल में डाल देंगे वो लोग। लेकिन मैं भी मम्मी की कसम खाता कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। श्रीनाथ जी, ये आखिरी बार झूठ बोल रही हूँ, माफ कर देना मुझे। बोलो रानी। वो झूठ नहीं, सच था। हाँ राजा, मैंने सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी की। मैंने ही भैलू को बोला चोरी करने के लिए। हाँ, यही है सच। मैं जानती हूँ कि मुझसे और मेरे घर वालों से बहुत बड़ी गलती हुई है। इस रिश्ते को एक और मौका देकर मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो राजा।
प्लीज। तुम्हारा सच तो तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे पास ऐसी कौन सी वजह है कि मैं तुम्हारे पास कैसे? ये तो मैंने मंदिर में ही वो वजह है, और ये बहुत बड़ी वजह है राजा। मैं भी मान चुकी थी कि अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन श्रीनाथ जी मुझे जिंदगी की सब्सिडी में हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। आज ये जूते जब मेरे सामने आए, ये अमानत जब मेरे हाथों आई, तो मुझे पता चला कि कोई तो मैजिक है जो हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। और तुम ही कहते हो ना कि श्रीनाथ जी पर भरोसा करो, तो वो कोई ना कोई मैजिक जरूर करते हैं। आज मैं उनसे कोई सवाल नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सीधा तुमसे बात करने आई हूं। मैं तुमसे वादा करती हूँ राजा कि आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ, मैं सब कुछ भूलकर ये रिश्ता पूरे ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे माफ करके इस रिश्ते को एक और मौका दे सकते हो? प्लीज राजा। गुड्डी, क्या कर रही है? बहुत महंगा कलर छे, हैं? थोड़ा बराबर से कर, नहीं इधर उधर मत देख, अभी गिर जाएगा, दोबारा लाके नहीं दूंगा। हाँ, अच्छे से कर, कर, कर। ए ऐसा घूम घूम के कौन से घी के लड्डू खा रही है? मन ही मन में ये ले, ये लड्डू खा, इसका बहुत अच्छा स्वाद है। ले मोटा भाभी, आप मन ही मन में कौन सी मलाई खाते हो मुझे कैसे पता? हुँ? अभी तो वैसे हम दोनों एक टीम के खरे खिलाड़ी हैं। तू जो खुशी चाहती है ना, वो मैं भी चाहती हूँ। तो मुझे लगा लड्डू खिला के खुशी डबल कर दूँ। ले खाना आसा। अरे जेठानी के हाथ के लड्डू खाएगी तो तेरे गले में अटक नहीं जाएगा। ले ले। मोटा भाभी, समझने की बात ये है कि भले हमारे सपनों का कारण एक हो सकता है, लेकिन हमारी टीम हमेशा अलग अलग ही रहेगी। अरे दर्शना आ गई, राजुड़ा भी आ गया होगा। राजुड़ा, मेरा राजुड़ा आ गया। मोटा पप्पा, अरे मेरा राजा बेटा, रानी के साथ रिश्ता खत्म करके आ गया। आवी जा, आवी जा।
सजनी सजनी।